लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर दरियाए सतलज के सैलाबी पानी में बहता हुआ एक भारतीय बुजुर्ग शहरी पाकिस्तान पहुंच गया। भारतीय शहरी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है, जिसकी वजह से वो अपना नाम और इलाका बताने से कासिर है। तफसीलात के मुताबिक मंगल के रोज पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने कसूर में पुलिस के जरिए एक बुजुर्ग को एदी फाउंडेशन के हवाले किया, जिसके बारे बताया गया कि वो दरियाए सतलज के सैलाबी पानी में बहता हुआ इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा है। मस्कुरा शख्स के हाथ की पुश्त पर हिंदी जुबान में उसका नाम लिखा हुआ है, जिसे वाजह तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता। इस शख्स ने इशारों में बताया कि वो हिंदू है और हनुमान जी का पुजारी है और काफी दूर से दरिया में बहता हुआ इधर आ गया है। भारतीय बुजुर्ग शहीद ने इशारों में ही अपील की है कि उसे वापस उसके मुल्क भेजा जाए। मुस्कुरा शख्स की तस्वीर BSF इंडिया समेत पाकिस्तानी वजारत दाखिला को भेज दी गई है, ताकि भारतीय सफारत खाने को इस शख्स से मुतालिक आगाह किया जाए और इसकी शहरियत की शिनाख्त की जा सके।